गया है आज। ये देखो यहाँ का पूरा भराई कर रहे हैं ऊपर ताकि पानी ना आए, यहाँ पे भी आधा भर दिए ताकि दरवाजे पे ना आए। और एक होल यहाँ की, एक होल यहाँ की, एक होल यहाँ की, ताकि जहाँ जो पानी जमता था वो अंदर ना आए और सीधा बाहर। वो बेचारे अशफी भाई भर रहे पूरा। और यहाँ पे एक होल कर दिए यहाँ से ताकि पानी पूरा बाहर आए। और पूरा वायरिंग हो रहा है, या तो बोर्ड भी लग गया यहाँ से। तो अस्सलाम वालेकुम, तो कैसे हैं आप लोग, वेलकम हो गया अशफी आशीर्वाद ब्लॉग में। तो आप सभी को आज जुम्मा मुबारक। तो मैं बोला सुबह सुबह पहले आज फटाफट काम करा दूँ, पहले काम कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पानी बहुत आ रहा है यहाँ पे भी। अभी आज पानी बहुत था तो मैंने आगे साफ कर दिया। और आप सुबह भी थी अभी साथ में, तो अभी गई हूँ मेरे को स्कूल छोड़ने। और ऊपर के जो मैटर है पानी का, वाज सब शॉर्ट आउट करके, आज शॉर्ट आउट करके सामान लेके आना है। और आप लोग टेंशन मत, घर को तो एकदम ऐसा सजाएंगे ना क्या बोलेंगे यार, बहुत मस्त। तो वो घर में, ये घर में बहुत फ़र्क है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि गंदा मत रखना, ऐसा मत रखना, क्योंकि वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो रहा था सामान का, इसकी वजह से तो आप लोग को मैसेज दिखता था, ठीक है, वैसा नहीं था। बहुत लोग हमारे घर पे, बहुत सारे सब्सक्राइबर जो हमारे इंस्टा के फैमिली, यूट्यूब की फैमिली, जब हमारे घर पर आके देखे ना तो लोग बोले दिखने में तो अच्छा है, खाली वीडियो में थोड़ा भरा हुआ दिखता है। दिखने में घर बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है साफ सुथरा है, लेकिन वीडियो में सिर्फ दिखता है कि ऐसा गंदा है, ठीक है। तो आप लोग कुछ भी जज मत करो, कोई भी जो भी जज कर रहा है। और तो पूरा देखो काम धाम आज बहुत है, सब लेके आए। मैंने आज एक बड़ा घोड़ा लेके आया फैन पे, फैन लगाने के लिए ये वाला। और हालत बहुत ज़्यादा गंदी है, थोड़ी सर्दी हो चुकी है बस और कुछ नहीं, थोड़ा सा अच्छी सर्दी है, ठीक हो जाएगी जल्दी, ठीक है। तो अभी आसपास आएगी तो फटाफट अभी काम वाम करके मिलते हैं थोड़ी देर में। भर रहे हैं शफीक भाई ऊपर, यहाँ से पानी आ रहा था। फ्रेंड फ्रेंड अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग, वेलकम तो जानों ने जरूर किया होगा सुबह, किए गए नहीं। तो खैर सुबह से हम लोग काम में लगे हुए घर के, और मैं स्पेशली भाग कर आई। और मैं आई, मैं देखी तो ये पानी भर करके लेके पड़े थे। मैंने बोला जानू क्या कर रहे हो 10:30-11 बजे, तो बोलते पानी भर रहा हूँ। बोली पानी तो भर गया, बोलते हाँ थकान हो रही है, तबीयत सही नहीं लग रही, घर का काम करना है। मेरे अब्बा को बुलाओ, बारिश हो रही है, बारिश आज नहीं हो रही है तो मेरे आज तो काम हो जाएगा। मालूम पड़ा अब्बा कहीं और साइड पे गए थे, तो मैं अब्बा को बोली मेरी नहीं अब्बा, आज पहले आप मेरा काम करो, उसके बाद मेरे किसका भी करना, क्योंकि मुझे अभी कल से नहीं तो आज शाम से मुझको शिफ्टिंग स्टार्ट करनी है। अब्बा बोले ठीक है। तो मस्त देखो वायरिंग वगैरह हमने करा ली है, टीवी के लिए इधर करा ली है, और जो भी ऊपर पानी बह रहा था ये जा रहे हैं शेविंग को। ऊपर जहाँ जहाँ पानी बह रहा था ना कल, पूरा सब जगह पे ना मैंने दिमाग चला के ना पूरा सांदा भरवा दी। शफीक भाई को बहुत परेशान किया, मेरे जानू को भाई नहीं बोल रही हूँ, उनका नाम है शफी भाई, तो उनसे करवाई। फिर बेचारे दरवाजे से पानी आ रहा था कल, उससे परेशान थे, तो मालूम पड़ा कि अंदर दीवारों में पानी भरा हुआ है, तो वो पट्टी के होल में से आ रहा है। मैंने साइड में हल्का एक होल करवा दिया, वहाँ से अब पानी बह रहा है, तो अब दरवाजे के अंदर घर में नहीं आएगा। और मैंने सबसे अच्छी एडवाइस दी सुबह ही सुबह अब्बा को फ़ोन किया, मेरे अब्बा बड़ी ड्रिल मशीन लाओ और मेरे कुछ मत करो, क्योंकि अगर इतना करने के बाद भी अगर फिर भी पानी आया ना तो मेरे बहुत परेशानी होगी, क्योंकि पानी वहीं जमा हो रहा है, बहुत सारा पूरा यहाँ तक जमा हो जा रहा है। तो मैंने बोला अब्बा वहाँ पे एक होल कर दो ऐसा, जो ऐसा टेढ़े में रहे कि अगर वहाँ पानी जमा हो ना तो थोड़ा थोड़ा वहाँ नीचे से नीचे पीछे ओटे में बाहर निकल जाए। तो अब्बा बोले अरे हाँ क्या आइडिया दी। तो अब्बा फटफट होल होल किए इधर उधर, और ऊपर एक जगह से अब वो बाथरूम का पानी था कि क्या था, वो पाइप जो पूरा खुला दिख रहा है वहाँ पे बहुत परेशानी हो रही थी, वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था। तो अब्बा देखे, अब्बा बोले नहीं वो दीवार पसीच के पानी आ रहा है, बाथरूम के पाइप का पानी नहीं है। तो वहाँ पे तो अभी इन लोग ने क्या काली सिरमिट और क्या बोलते हैं इसको प्लास्टर मतलब वो क्या मिला करके लोग ने उसको पूरा प्लस्टर कर दिया ऊपर, अब उसमें कलर बाद में करेंगे। और जहाँ जहाँ से पानी आ रहा था बैठ के सुबह से हम दोनों ने नाश्ता पानी नहीं किए, कुछ नहीं, 9 बजे से 10 बजे से यहाँ आकर के बैठे हुए, ना मैंने खाना खाया ना इन्होंने, हम दोनों साथ मिल करके काम करवाने में लगे, पूरा ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो। अभी जैसे सबका हाजिरी दिए देवे करके अब फ्री हुए हैं, तो ये गए हैं अब दाढ़ी बनाने, मिले अब मेन मेन काम हो गए। अब बारिश के बाद ही पता चलेगा
के इतना सब काम कराए हैं, तो ये सफल होता है कि नहीं, आप लोग दुआ कीजिएगा सफल हो जाए। क्योंकि कल एक चीज़ हम लोग ने ट्राई किए थे, खिड़की के यहाँ से दीवार से इधर से पानी आ रहा था, क्यों? क्योंकि अंदर की नाली पसीजी थी और बाहर साइड की दीवार पूरी पसीजी हुई, मतलब अंदर पूरा पानी भरा हुआ है टाइल्स में। टाइल्स मतलब जिसने भी घर बनवाया ना, उसने प्रॉपर नहीं बनवाया। तो हम लोग को पता चला कि जो अंकल जो हमारे पहचान के उन्होंने लिए अभी, तो उनकी गलती नहीं है, वो बेचारे बनवाए नहीं है। इससे पहले जो रहने वाला था ना, उसने आड़ा टेढ़ा घर कैसा भी चूरन चपाट बना के हटा दिया। तो मैंने मेरे हिसाब से घर के अंदर मुझे तकलीफ ना हो, मैंने तो वो चीज़ करवा दी। मैंने इसलिए बाहर से होल मरवा दिया ताकि पानी है ना अपनी जगह बना करके बाहर से निकल के बाहर से बहेगा चलेगा, पर घर के अंदर बहेगा तो वो तकलीफ हो जाएगी सामान भीगने की। तो ये सब चीज़ें तो मैंने अभी करा दी। अभी हम लोग जाने वाले हैं बाथरूम वगैरह में, जो स्टैंड लगता है साबुन शैम्पू वगैरह के लिए अच्छा वाला, स्टेनलेस मैंने सोचा ला करके साइड में लगाऊं, वो समोसा टाइप होता है, आप लोग समझ गए होंगे वैसा, और थोड़ा डिफरेंट रखूंगी। और हम लोग सोच रहे अगर ओवन लेंगे तो ओवन कहाँ रखेंगे, कैसा रखेंगे, किधर रखेंगे। तो ओवन के लिए भी जग वो बनवा दिया, एटलीस्ट क्या बोलते हैं इसको, बोर्ड बनवा दिया है। अब वो जब भी लेंगे इंशाल्लाह तो उसके लिए काम आ जाएगा वो चीज़। तो बाकी का सब हो गया, आप खाली घर की सफाई करनी है तो वो मैं अभी नहीं करूँगी, पहले बाहर जाकर आऊँगी, सामान और लेकर आऊँगी, जब सब लगभग जाएगा उसके बाद आगे पाओ। एक ये इतना बेशरम है ये, घर में आए मैंने बोली शबाना को आज, बेचारी बोली क्या करूँ मैं भाभी आज क्या बनाऊँ, तो मैंने बोली ज़्यादा कुछ मत करो, दोपहर में खिचड़ी बना दे, चटनी बना, अंदर जो गोश रखा है उससे रात को मंगता है दाल गोश बना देना। वो मेरे से पूछती तो उसका दिमाग चलता है, बोलती भाभी मेरे को समझ में नहीं आता तुम बताओ, बोली ठीक है। तो बोली अरे हाँ भाभी क्या आइडिया दिया तुमने। तो घर में आज शर्त लगी थी जो खिचड़ी खाएगा रात को वही दाल गोश खाएगा, तो इसने तो बिरयानी ला के खाया, इसके तो नट्टे से खिचड़ी नहीं उतरती, तो रात को इसको दाल गोश नहीं मिलेगा, या तो रात को ये आज दोपहर की खिचड़ी खाएगा या तो ये फिर से बाहर से बिरयानी ला के खाएगा। सवाना ने पहले बोल ली हाँ तू बिरयानी खा, तू बिरयानी खा, दाल को साथ नहीं लगाना आज तू। अब्बा तो पहला बोले दाल गोश बना रही है, ला मेरे को खिचड़ी दे थोड़ी खाने के लिए। पाव इतनी सी खिचड़ी लेके खाया, बोलते मैंने खाया इतनी सही पर मैंने खिचड़ी खाया हूँ, मेरे को रात को दाल गोश चाहिए। मैं बोली हाँ अब्बा तुमने इतनी खाया ना तुमको मिलेगी, किसके साथ होल करेगा रे जा लेके। तेरे भाई दाढ़ी खिंचवाने गए, उखड़वाने गए दाढ़ी, हाँ बनवाने गए, वो बनवा के आएंगे फिर मैं उनके साथ जाऊंगी। तो जस्ट मैंने भी खाई मस्त खिचड़ी चटनी, मज़ा आ गया, दिल खुश हो गया। मिली ज़्यादा कुछ टेंशन वेंसन ले मत, काम वाम को लेकर के जुम्मा भी था तो हम लोग ने फटाफट कर लिए। देखो आ गए हाँ मैं बात कर रही, मैं तो पकाती रहती हूँ, 5 मिनट में तो आप जाकर आ गए, 5-6 मिनट में। मैं बहुत पकाती हूँ मुझे पता है, पर मुझे बहुत मजा आता है, मुझे फोन पे बात करना नहीं पसंद, लेकिन सामने सामने मेरे से बात कर लो, जितना आप लोगों को बात करना है मैं दिल खुल के बात कर लेती हूँ, फोन पे कान गर्म हो जाता है। अभी चिल्लाई हो रही है, कितना लंबा लगे। क्या चाहिए बे, क्या कर रहे हो? हाँ तो मैं आ रहा, रुको ना। अरे बाप रे, चढ़ने बहुत भारी पड़ता है मेरे को। हाँ हेलो, काले दिख रहे हो तुम, अरे तो नीचे से लो चाहे ऊपर से लो, एक ही बात है ना जानू। तुमको देखने के चक्कर में फोन में ही नहीं देखी कि तुम क्या ले रहे हो क्या नहीं। पगलू इसीलिए अटकाई थी वहां नीचे पाइप पे। हो गया, कर लिए हाँ, आखिरकार आए ना। 88 है, 88 हाँ सही बोली ना, 88 पकड़ के चलना भाई, 89 89 चौड़ाई। इधर नहीं पा रहे, ऊपर से लेंगे कि नीचे से लेंगे?
हाँ इधर नीचे से ही लेना पड़ेगा, हाँ यहीं से लेना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ी ले पाओगे। वही तो इसलिए नहीं ऊपर, हाँ तो ऊपर से ही लो फिर, ऊपर से ही लो, ये एंगल के ऊपर से ही टच करो ना, इधर से नहीं टच करो, ऊपर से टच करो एंगल का। हाँ सब बास। अरे इधर तरफ से लो, उधर से कैसा ले रहे हो, इधर अंदर रहेगा पर्दा, पर्दा अंदर रहेगा। अच्छा इधर, इसको बोलते अतड़ंग आदमी, उल्टा इंसान। 59 चौड़ाई, 76, 77, 79 होना चाहिए। 79 जहाँ तक मेरा ख्याल है, बिना नापे तुम्हारे। 79, 80, 80। हाँ 80 लंबाई कितना है ये 89 और 80। उतरने नहीं आता ना तुमको, हाँ ऐसा उतर रहे, क्या उतर रहे, घर यहाँ ऊपर से कितना अच्छा दिखता है, यहाँ से पानी आना बंद हो गया, अल्लाह का शुक्र हो गया वहाँ पे पूरा, नहीं तो नीचे पानी पानी जम रहा था, अभी मस्त हो गया घर, क्या बोलते जाना। तो खैर अचानक में भयानक, अभी हम लोग बाहर निकले तो जानू को याद आ गया कि मैंने दाढ़ी नहीं बनवाया हूँ, तो भाई साहब मेन जो दाढ़ी बनवाने वाले हैं है नहीं, जिनसे हमेशा बनवाते हैं जानू, उनकी शॉप बंद है, तो यहाँ पर आ गए, बोले मैं थोड़ा अजीब सा दिख रहा हूँ एकदम से, मेरे ऐसा लग रहा है ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है ऐसे जंगल से कहीं से भाग कर आए, तो दाढ़ी बनवा ले फिर जाएंगे फटाफट, थोड़ा स्टैंड वगैरह सामान पर्दे वगैरह का लेकर आएंगे, साइज तो नाप लिए मिल जाए बस, और कुछ नहीं चाहिए। ये ले लिया, ये ले लिया, ये अपना नहीं, वो किसी और का है, क्या बोलो, लेने का है मॉप, लेने का है मॉप, ठीक है ले लिए हैं दो मग्गा, ये तो मम्मी ने सिर्फ 1, 2, 3, 4 चीज़ें लिया है और 1-5 चीज़ है ना, बाकी ये बाद में लेंगे, अभी नहीं। तो लेकिन आखिर में हम लोगों ने इसको ले लिया है ना, फिर आपका फायदा ही हुआ, मेरा नुकसान नहीं क्या, मेरे बदल के आपका भी फायदा ही क्या। चलो कोई नहीं, थैंक यू, थैंक यू सो मच अंकल। हाँ तो ये दुकान अंकल की है, 1 नंबर पे महालक्ष्मी मेडिकल के सामने, बस स्टॉप के बाजू में ही है बराबर। अभी हम लोग को लेने का स्टैंड, माइक्रोवेव का स्टैंड और चम्मच का स्टैंड, क्या क्या लेने का, बहुत सारी चीज़ें लेने है ना, तो पिछले आधे घंटे थे मेरे अब्बा परेशान हो रहे, कितने घंटे थे अब्बा, मेरी उंगलियां लाल हो गई, कितने घंटे खुल गया, ये आधे घंटे से ऊपर हो गया ताला नहीं खुल रहा है, अब पता नहीं क्या हो गया, हम लोग लाइन में लगे हुए, पहले भाई फिर अब्बा फिर मैं फिर भाई फिर अब्बा फिर मैं, हम तीनों 10-10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, नहीं खुलेगा वैसा टूट जाएगा। अभी हथौड़ी ना छटक के लगे मुझे संभाल के मारो, नोक पकड़ो ना, नोक संभालो ना अब्बा, पकड़ो सर मोबाइल पकड़ो, आपका ताला तोड़ दे रहे हैं, माफ करना, आप ताला नहीं मिलने वाला है, उधर से नहीं उधर, यहाँ ये छेड़ा, हाँ ऐसा मारो इसे, नहीं पहनन नहीं थी ना साजिया, हम तो कड़ी पे मार रहे हैं, खुल गया, मुबारक हो, खुल गया, मुबारक हो, आधे घंटे थे, वालेकुम सलाम, और चलो फाइनली खुल गया, चलो अंदर सीधा पे रखो, आप सीधा सूप कदम रखो अंदर, लग गया ना, चलो अभी पानी ना इधर से नहीं, नहीं भाभी आ रहा है ना पानी, नहीं नहीं इधर से आया, अरे इधर से आ रहा है, देखो हाँ कड़ी उसके अंदर से आ, मैंने तो बोली थी यहाँ पे भी एक मार दो, तो उतना बड़ा दिल कहाँ से लाऊंगा, पेड़ में है ना उसमें नोक ना।
कितना पानी? ज्यादा नहीं रहा, यहाँ से निकल रहा भाई। इसके अंदर एक लोंडा बना के अंदर डाल देते। पहली चीज ये कड़ी है ना, ये देखो ये बराबर नहीं है, दोपहर में कड़ी बहुत टाइट लगानी पड़ी लोगों को। तो सफिक में इसमें ज्यादा जगह है, इसमें ना एक लोंडा बना के भर ही देता हूँ। तो नीचे से उतरेगा कहाँ? नीचे से, एकदम नीचे से नहीं, अपन को भर देंगे। अपन भी इसको ढूंढ रहे हैं पंखा, बड़ा बड़ा के हालत हमें हो गए, हम बन गए इनके फैन, क्योंकि ये ढूंढ रहे हैं फैन, और कहीं भी एक भी ऐसी दुकान नहीं है फैन की। हम लोग ढूंढ रहे हैं सिर्फ फैन की दुकान, मतलब सिर्फ पंखे की, जहाँ अच्छा वैरायटी, अच्छी चीजें, अच्छा फैन मिले। क्योंकि मैंने तीन बार अपना 5 नंबर से ले चुके, 7 नंबर बोले, 800-800 रुपए लिए, सब खराब होता। 800 वाला भी लिए, 1200 वाला लिए थे लास्ट टाइम, तो वो भी खराब हो गया, जंग खा गया, और दिन में पपड़ी निकलने लगती है। हालांकि ऐसे ही पहुँचने के बाद भी वो फूल ही जाता है कैसा भी करके, नहीं तो सूख के एकदम अजीब अजीब, मतलब उसका प्लेट जो होती ना अजीब हो जाती है उसके पत्रे। तो क्या करें, एक मिली है दुकान 1 नंबर पे, बट है ना वो मैंने ऑनलाइन में देखी तो सस्ते जो पंखे, वो पंखे वो बहुत ज़्यादा महंगे बोल रहे हैं, और रेट वगैरह के 3000 का बोल रहे हैं, 3500 का बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं। तो मैं भाई ऑनलाइन में तो इतना का नहीं दिखा, प्राइस उसका कम है, तो इसीलिए हम लोग सोचे कि कोई और एक दो दुकान और देख लेना फैन की, अगर आप लोगों को पता है ना, लेकिन नज़दीक का बताइएगा, दूर का नहीं। चेंबूर गोरेगांव, कांदीवली, अब चारकोप नाका, पूरा एक मालवनी पूरा भटक गया है। गणेश नगर अभी घूम रहे लेकिन कहीं मिला नहीं, बहुत भटक। तो आप लोग भी अगर गोरेगांव तक में या लास्ट अंधेरी तक में भी होगा तो ठीक है, मैं चेक कर लूंगी, आ जाऊंगी, क्या बोलते जानू, देखने पंखा, लेकिन उससे ज्यादा दूर मत बताइएगा प्लीज। तो ध्यान रखिए, अब इसी फ्रिज को लेके बहुत डाउट हो रहा है, सब बोल रहे हैं ये मतलब वो मतलब गोदरेज, अब फ्रिज को लेके ऐसे आप लोगों ने बोले, मैंने कैंसिल करा दिया, पता है आप लोगों को, मैंने कैंसिल करा दिया गोदरेज का, आप लोग ने बोले ना ऐसा, तो मुझको पता भी चला, एक दो का फोन भी आया कि सही नहीं है, ऐसा वैसा प्रॉब्लम होती है, थोड़ा उसमें स्पेस नहीं होता प्रॉपर, कुछ टाइम में जल्दी खराब हो जाती है, कंप्रेसर की आवाज़ आती है, ऐसा वैसा दिमाग घूम गया। कोई नहीं, वैसे भी आप सबकी दुआ साथ है तो हमें हमेशा हर चीज़ बेहतर से बेहतरीन मिलती है, माशाल्लाह घर तो अच्छा है ही, बस थोड़ा पानी का प्रॉब्लम था, उसे हमने ठीक करा दिया। वह वैसे भी कहते हैं ना, कोई चीज़ अगर आप लोग उसमें शुरुआत में अगर कुछ प्रॉब्लम आए ना, और उसको थोड़ा प्रॉब्लम आप झेल लो, उसको सही कर लो, उसके बाद उस चीज़ आपके पास सालों साल और अच्छी चलती है। तो चलो घर का टेंशन खत्म हो गया अभी अल्हम्दुलिल्लाह, अब इंशाल्लाह कल से थोड़ा थोड़ा शिफ्टिंग करना है, थोड़ा बहुत आ रहा है वो एडजस्ट करेंगे, देखेंगे। वो दीवालों में से जानो, दीवाल में पानी बहुत भर गया है, दीवाले मतलब प्रॉपर टाइल्स प्रॉपर लगी हुई नहीं थी जिसने भी बनाया, उसकी वजह से। खैर कोई नहीं, उतना तो अपन एडजस्ट कर ही सकते हैं, मैंने तो सीधा एक ही जुगाड़ बनवा दिया, जो मैंने नीचे होल बनवा दिया, अपा बोलते बहुत अच्छा करी, बोले जो नीचे बोले तूने होल बनवाई है वो बहुत अच्छा करी, अब वहाँ पानी जमा नहीं होगा, उसमें से निकल जा रहा है, उसके लिए अल्लाह का शुक्र है। चलो तो खैर चलो अभी चलते हैं, आप जा रहे हैं हम घर, अब बहुत ज्यादा काले हो गए। अच्छा खासा बैठी थी मैं बाइक पे, मतलब मेरे को गुस्सा दिखा रहे, फोन गाड़ी चालू रख के रास्ते में चलाते हुए डायलॉग नहीं आऊंगी बाइक पे, नहीं आऊंगी मैं, नहीं आने का मेरे को बोलते बोल रही हूँ जानो जल्दी घर पे, चलो चलो चेक करो। अच्छा एक्चुअली मैं बैठो ऐसा बोले, चलो चलो मुझे गुस्सा आ गया, मैंने ठीक है बैठे बैठे क्या तू कर क्या मेरी बात, खाली आती गाड़ी चला रहे, मैं बोली ठीक है मैं पैदल जाती हूँ, मेरा पैर दुखेगा चलेगा भाई, तो मैं टाइम पे घर पहुंचूंगी, तुम खड़े रह के आराम से फोन फेर लो। मैंने तुमको 7 नंबर बोला तो घर पे चलेंगे, मेरा क्या मारेंगे, मेरे को कुछ टेंशन नहीं है, चलो तुमको तकलीफ हो तो घर पे चलो, वरना मैं तो ढूंढूंगे, ढूंढने निकले ना, ऐसा बोली। हाँ तो अभी बोला कितना टाइम वेस्ट हो गया इनके, जैसे जब भी शाम में 8 बजे पंखे के लिए ढूंढने निकलते हैं 8 बजे लेके, और 1 घंटा किसी न किसी से पतियाने खड़े हो जाते हैं, इनके पतियाने के चक्कर में डेली 9:30 खाली यहीं पे बच जा रहा है, और दुकान पहुंचे तक 10 बज जा रहा है, दुकानें बंद हो जाती हैं, और 10 बजे बैठ के सारी दुकानें मेरे साथ ढूंढते हैं, इधर तो खुली रहेगी उधर तो रहेगी, करते हैं ऐसा,
पंखा नहीं मिल रहा इनकी वजह से। चलो अच्छा भी मिल जाएगा, आजा पक्का कर ढूंढूंगा। ये इनकी ऐसी हरकत है, ऊपर से मेरे को एटीट्यूड दिखा रहे हैं। एटीट्यूड एटीट्यूड क्या बोला, दुखरा बोला ना, इसको थोड़ी बोला मैंने। सॉरी, चलो बैठो। हां मुझे भी घर जाना है, मेरा भी जरा जरा हाथ पे। ए जो बोला वो देखो, मैंने सॉरी बोला सबके सामने, इसको सबके सामने जो तो बोलना जो। चलो बैठो बैठो, बाजरा भी है। छोड़ो हाथ छोड़ो, पहले मेरा हाथ छोड़ो, बैठो हाथ छोड़ो। मैं ये सही में बहुत गुस्सा में बोलती नहीं हूँ। मैं चुपचाप बाइक से उतर के मैं अपने पैदल। सॉरी मेरे यूट्यूब 70,000 खाने वाले। सॉरी सॉरी। तो गाइस हम लोग आ गए, बुला गए। सलाम अलैकुम। वेलकम बैक के आप फॉलो। हां तो लिखे आ तो चला आ तो हम बेच कांदो बटाटा। आज को कुछ सर ये रिप्लाई दे रही है। तो हम बहुत भटक गए, थक गए, हालत खराब हो गई। अब बारिश हो रही है हल्की हल्की, पता नहीं वहाँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखते हैं। पता नहीं हम गए तो नहीं है। हाँ कल सामान भी डालना है। हाँ क्या बोले, जोर की हल्की का बारिश का पता नहीं, हल्की हल्की में तो नहीं आ रहा था। हाँ कल पता चलेगा, देखते हैं। दुआ करो आप लोग सब अच्छा हो जाए फटाफट। हम लोग कल शायद थोड़ी बहुत शूटिंग करेंगे, है कि नहीं। चलो मिलते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, है ना। बोलो लाइक कमेंट, बोलो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करो। हाँ चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, दुआ में याद रखना। तो गाइस अल्लाह मिलना बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं। ये देखो कौन है, ये मेरा बेटा आया, मेरा बेटा। अरे पहुंची ले, पहुंची ले ले, बोलो बाय बाय, गुड नाइट।